दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फोटोशॉप में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फोटोशॉप में सारे टूल्स के क्या काम हैं। आज हम फोटोशॉप में बात करने वाले हैं जो हमारे सारे मेनू होते हैं, इन सब मेनू के क्या काम होते हैं, और इसमें हम एक मेनू को डिस्कस करेंगे वो भी प्रैक्टिकली। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास फोटोशॉप में हमारे पास 9 ऐसे मेनू दिए हैं, जो कि पहला है फाइल, यानी फाइल से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास मेनू है। यानी आप इसमें न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एडिट, यानी एडिट से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इमेज, मतलब अगर आप कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो एडिट से रिलेटेड आता है। उसके बाद इसमें हमारे पास इमेज होते हैं, यानी आप इमेज से रिलेटेड इसमें काम कर सकते हैं, जैसे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, इमेज की साइज को चेंज कर सकते हैं, कैनवास साइज देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है लेयरिंग, यानी जो हमारा फोटोशॉप होता है ये लेयर बेस पे काम करता है। इसमें आप अलग अलग तरीके से बहुत सारे लेयर्स दिए हैं, आप उन सारे लेयर्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट दिया हुआ है, जिसे आप जितने आप यूज किए हैं डॉक्यूमेंट पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और भी इससे काम कर सकते हैं। फिल्टर दिया है, इसमें फिल्टर में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं जिसे आप इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, ब्लर कर सकते हैं और नॉइज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है व्यू मेनू, यानी इससे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, प्रिंट साइज देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है विंडो, विंडो में हमारे बहुत सारे टूल्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारे टूल्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है हेल्प, जिसे आप अपडेट देख सकते हैं और इसका क्या वर्जन है, ये सारे रिलेटेड इसमें आप प्लगइन यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसमें जो हमारे इन सारे मेनू में हमारे पहला जो मेनू है, यानी फाइल मेनू। इसमें हम एक एक कर सारे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे हमारा फर्स्ट पे आता है फाइल में न्यू। न्यू का मतलब है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, या इसका शॉर्टकट की दिया है Ctrl+N। आप Ctrl+N प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले दिखेगा। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है नेम, यानी आप जो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट उसका नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं शिवम। उसके बाद यहाँ पे दिया है इमेज साइज, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से हमारे साइज होते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे साइज दिए हैं, कस्टम दिया है, उसके बाद लेटर दिया है, लेगल दिया है, और इसमें देखिए और भी बहुत सारे पहले से दिया है 4x6 कर 5x7 इस तरीके से। अगर आप कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप 1280 यानी HD क्वालिटी में आप यहाँ से ले सकते हैं थंबनेल के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने इच्छा अनुसार साइज को चेंज करना, तो आप इसकी विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में दिया है पिक्सल, इस पर क्लिक कर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट ले सकते हैं, पिक्सल में ले सकते हैं, इंचेस में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, पैक्स में और कॉलम्स में। उसी तरीके से अगर हाइट का भी आप लेना चाहते हैं तो हाइट का भी यहाँ से आप इजी तरीके से जो लेना चाहते हैं पिक्सल इंचेस आप इजी तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है रेजुलेशन, अगर आप रेजुलेशन को भी अच्छे तरीके से क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रेजुलेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 72 दिया है नॉर्मल, अगर आप इसका ज़्यादा रेजुलेशन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 300 आप कर सकते हैं। ये भी आप पिक्सल या इंचिस या पिक्सल सेंटीमीटर में आप इजी तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मोड। मोड का मतलब आपका जो पेज होगा वो कौन सा मोड में चलेगा।
यानी इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है बिट मैप, यानी बिट मैप में आपके हाई क्वालिटी के मतलब कलर इसमें दिए रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रे स्केल, अगर आप ब्लैक एंड वाइट दोनों मिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रे स्केल कर सकते हैं। RGB कलर दिया है, यानी अगर आप वेब पेज कलर यूज करना चाहते हैं तो RGB कलर यूज कर सकते हैं। CMYK कलर, अगर आप कोई मतलब इस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंटर के द्वारा तो आपको इस कलर को चॉइस करना होगा, क्योंकि हमारे जो प्रिंटर होते हैं उसमें यही कलर यूज होता है। उसके बाद अगर आपका लैब कलर यूज करना है, अगर लैब फोटो प्रिंट करना है तो आप लैब कलर ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कंटेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास कंटेंट में तीन ऑप्शन है। पहला दिया है वाइट, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मतलब बैकग्राउंड होगा ये आपका वाइट होगा। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड कलर पे कर देंगे तो जो आपका पेज होगा वो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, यानी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक आपका, जैसे ओके करेंगे आपका ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है ट्रांसपेरेंट, अगर आपके पास कोई जैसे लोगो है तो लोगो ज़्यादातर आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप ट्रांसपेरेंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा ट्रांसपेरेंट ओपन हो गया। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आता है फाइल में, अगला हमारा जो ऑप्शन आता है ओपन। ओपन का काम होता है किसी भी फाइल को पहले से बनी हो आप उसको ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की दिया है कंट्रोल प्लस हो, आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करिए। इससे आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी हमारे फाइल पहले से बने हैं, चाहे आपका इमेज हो, जितने भी आपके फाइल हैं वो सारे यहाँ से ओपन हो सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पहले से डेस्कटॉप पे हमने बनाया था, यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ और एक PDF रखा है। देखिए इसका काम है सारे फॉर्मेट को ओपन कर देना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से फॉर्मेट में ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ये वाला ओपन करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। देखिए ये वाली हमारी क्या हुई, फाइल ओपन हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्राउजर, अगर आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आप ब्राउजर से कोई फाइल को मतलब ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, आप प्रेस करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा कि फाइल ब्राउजर से आप इजी तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे रखे हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आप जितने डेस्कटॉप पे रखे रहेंगे वो सारे यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, जैसे आपको एग्जांपल में दिखाते हैं, जैसे हमारे पास इमेजेस हैं, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ये आपका देखिए यहाँ पर ईजी तरीके से ओपन हो गया, यानी आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ब्राउजर से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइल मेनू में ओपन एज। ओपन एज का क्या काम होता है, आप इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, यानी इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई फाइल है अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं या किसी अदर फॉर्मेट में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से इजी तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, आपको ओपन एज पे क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आप ओपन एज पे क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल क्या होगी कि इजी तरीके से देखिए ओपन नहीं होगी और आपको इस तरीके से मैसेज एरर आ जाएगा। इसका तभी यूज होता है अगर आप ओपन एज पे क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट में चाहिए, जैसे आप चाहते हैं ओनली टू ओनली PDF ओपन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ओपन एज पे क्लिक कर आपको PDF है तो आप PDF यहाँ से ले सकते हैं और PDF वाले पे क्लिक कर आप ओपन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इजी तरीके से हमारा PDF ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखिए हमारा PDF ओपन हो रहा है और यहाँ पे लिखा है गो टू पेज, यानी कहाँ से हमारे ओपन करना है। अगर आप सिंगल करना चाहते हैं या
मल्टीपल, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। अगर आप सिंगल करना चाहते हैं तो गो टू पेज पे क्लिक कर ओके करिए, और यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से इजी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा, यानी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ओके हम करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप ओपन एज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइल मेनू में ओपन रिसेंट, यानी इसमें फर्स्ट टाइम आप जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें काम किए हैं वो सारे यहाँ से इजी तरीके से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है क्लोज। क्लोज का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस W है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, अगर ओपन है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाइए और क्लोज पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल W प्रेस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया है। अगर आप इसको भी क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद फाइल मेनू में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव। सेव तभी होगा जब पहले से हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तब। चलिए एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो यहाँ से हम कंट्रोल प्लस N प्रेस करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम वाइट ले लेते हैं यहाँ से बैकग्राउंड, और यहाँ से ओके कर देते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से देखिए हमने कलर फिल कर दिया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ शेप ले लेते हैं, और इसमें भी यहाँ से क्या करते हैं, शेप का कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने शेप का कलर चेंज कर दिए। अब हमें क्या करना है, जाना है फाइल में, और फाइल में जाने के बाद देखिए एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे देखिए सेव दिया है जिसका शॉर्टकट की दिया है कंट्रोल प्लस यस। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यस प्रेस करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। आप जैसे कंट्रोल प्लस यस प्रेस करेंगे आपको सबसे फर्स्ट टाइम इस तरीके से ओपन हो जाएगा बॉक्स। इसमें आपको पूछेगा सबसे फर्स्ट में आपका नेम, तो आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। और डेस्कटॉप में हमने पहले से एक फाइल नाम से फोल्डर बनाया है, इसी में हम सेव करने वाले हैं। तो यहाँ से हम सेव कर देते हैं फर्स्ट, यहाँ पे देखिए हमने दे दिया नाम फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेट में देना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको PSD में कर सकते हैं, और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। और इसका जो मतलब ये जो साइज है, यहाँ से आपको क्या कर देना है, चेक कर देना है, यानी आप इसकी साइज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा लो मीडियम जो करना चाहते हैं आप इजी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए फाइल हमारी है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नाम से PDF हमारी सेव हो गई है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इस पे जाएंगे, और यहाँ से देखिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेव एज। देखिए जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यस, इससे क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पहले से फाइल बनी है उसको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, या उसको नेम चेंज कर सकते हैं, या दूसरे लोकेशन पे उसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पर सेव एज पे क्लिक करते हैं। देखिए हमने इसको सबसे फर्स्ट टाइम PDF में सेव किया था। अगर आप इसको अलग फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, और इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारा PDF है फर्स्ट नेम से, यहाँ पे हम फर्स्ट के जगह यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड दे देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड, और उसके बाद इसका जो फॉर्मेट है हम यहाँ पे PSD रख देते हैं, यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए हमने PSD रख दिया। अगर हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने सेव कर दिया। अगर हम आपको फाइल पे लेके चलें तो यहाँ पे देखिए फाइल में हम जैसे गए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास PSD की फाइल बन गई। अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दे रहा है Adobe Photoshop इमेज, यानी हमारी PSD की फाइल सेव एज होकर यहाँ पे आपको मिल गई। उसके बाद हमारे पास फाइल मेनू में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए सेव फॉर वेब पेज। अगर आप इस जो आप इमेज यहाँ पे बनाए, यानी डॉक्यूमेंट, अगर आप इसको वेब पेज
पे सेव करना चाहते हैं यानी ब्राउजर पे, तो आप यहाँ से भी इजी तरीके से सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए आपको सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है और जिसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको शॉर्टकट की बता देते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की दिया है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यस। इससे आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से सबसे फर्स्ट टाइम ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो यही बॉक्स आपको ओपन होगा और यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करते हैं नेम चेंज कर देते हैं या तो इसी नेम को रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है सेव एज टाइप, यानी यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से देखिए बहुत सारे दिए हैं एचटीएमएल ओनली और यहाँ पे इमेज ओनली। उसके बाद आपको ऑप्शन लेना है एचटीएमएल एंड इमेज यानी डॉट एचटीएमएल वाली फाइल, क्योंकि ये क्या होगा कि जैसे आप सेव करेंगे ये डायरेक्ट आपको वेब पेज पे दिखाएगा। जैसे इसको हम क्या करते हैं सेव करते हैं, देखिए इसको हमने सेव कर दिया। अगर हम क्या करते हैं फाइल में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नाम से हमारे पास एक वेब पेज यहाँ पे बनकर आ गया। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए आपको क्या होगा कि वेब पेज पे दिखाएगा। देखिए इसको हमने ओपन कर दिया है, देखिए वही हमारे वेब पेज पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं वेब पेज पे सेव कर सकते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज। अगर आप इसको अदर ब्राउजर पे ओपन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं ओपन विथ पे जाकर आप यहाँ से जैसे आप वर्ड पैड में ओपन करना चाहते हैं और लिब्रे ऑफिस में और भी बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिए हैं चॉइस अनदर ऐप में, आप इजी तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है फाइल मीनू में, नेक्स्ट हमारा आता है रिवर्ट। देखिए रिवर्ट क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं यहाँ से क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले फाइल में जाना है, ओपन में जाना है और यहाँ से हम एक लोगो ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लोगो ले लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे जिससे क्या होगा कि पता चलेगा कि हमारा रिवर्ट किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं ब्लैक कलर हमने फिल कर दिया और उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं और भी कुछ कर लेते हैं, जैसे इसका कलर और भी चेंज कर लेते हैं। जैसे ग्रीन कलर ले लेते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर फिल कर लिया और यहाँ पे हम और भी कलर यहाँ से फिल कर लेते हैं, देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने रेड कर दिया और यहाँ पे भी हमने चेंज कर दिया कलर। अब आपको बताते हैं कि इसमें फाइल मेनू में रिवर्ट का क्या काम होता है। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हम फॉर्मेट किए हैं अगर आप नॉर्मल देखना चाहते हैं जिस तरीके से पहले था, तो आप फाइल में जाकर रिवर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे पहले जैसा इमेज था उसी तरीके से हो जाएगा। देखिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे आपके पहले जैसा इमेज था उसी तरीके से यहाँ पे इमेज हो गया। उसके बाद हमारे पास फाइल मेनू में नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है कि आप इस पर क्लिक कर आप इस डॉक्यूमेंट पे कोई दूसरी फाइल को प्लेस कर सकते हैं यानी रख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से फॉर्मेट दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप EPS, PDF, PDP आप जो फॉर्मेट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक PDF फॉर्मेट है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आप इस पर प्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से मतलब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा PDF पेज सेलेक्टर। यहाँ से क्या होगा कि आपको जो पेज यहाँ से लेना है आप इजी तरीके से ले सकते हैं। अगर आप सिंगल पेज लेना चाहते हैं तो गो टू पेज पे क्लिक करिए। आप जो भी पेज लेना चाहते हैं यहाँ पे नंबर टाइप करिए 2। जैसे यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे तो 2 नंबर का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं और ओके करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही हमारे पास इमेज क्या हुई, यहाँ से डायरेक्ट प्लेस हो गई।
यानी यहाँ से प्लेस होकर आ गई, आप इसमें जो काम करना चाहते हैं इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये काम हमारा होता है प्लेस का। आगे हमारे पास फाइल मेनू में और ऑप्शन आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का काम होता है कि दूसरी फाइल को लाने के लिए, और एक्सपोर्ट का काम होता है कि दूसरी फाइल को हम दूसरे जगह पे ओपन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इंपोर्ट में जानते हैं। देखिए इंपोर्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन आता है पीडीएफ इमेज। यहाँ पे पीडीएफ इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उन सभी पीडीएफ को आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने देखिए डिलीट कर दिया। अब आपको हम दिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है फाइल में, उसके बाद इंपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे देखिए लिखा है पीडीएफ इमेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पीडीएफ है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि अगर आप सिंगल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे सिंगल इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप सबको इमेज में मतलब इंपोर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ को, तो यहाँ से इंपोर्ट ऑल पे क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने पीडीएफ हमारे थे वो सारे इमेज में हमारे कन्वर्ट हो गए। देखिए सारे इमेज में अलग अलग तरीके से हमारे कन्वर्ट हो गए। ये काम होता है हमारा इंपोर्ट में पीडीएफ इमेज का। इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं फाइल मेनू में, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का किस लिए यूज होता है सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एक्सपोर्ट किस लिए काम करता है। जैसे सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। अगर इसमें हम क्या करते हैं, कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सपोर्ट का काम है, अगर हम फाइल में जाएंगे एक्सपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, अगर पेंसिल से कोई डिजाइन किए हैं तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आप इजी तरीके से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इसी में एक ऑप्शन दिया है जूम व्यू, जो कि हाई क्वालिटी के इमेज को अच्छे तरीके से ओपन करने के लिए जूम व्यू का यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पे फॉर्मेट दिए हैं, आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप इसमें एक अच्छा स्टेप है, जो कि आप एक साथ कई लोगों को मतलब ऑनलाइन सर्वर पे, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, यहाँ से एक साथ कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से बना सकते हैं, उस पर एडिट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें देखिए ओपन दिया है, इसमें आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे दे देगा वर्क ग्रुप फाइल लोकेशन। अगर आप बनाना चाहते हैं तो चॉइस पे क्लिक करिए, और उसके बाद आप जहाँ पे भी आपका मतलब फोल्डर रखा हुआ है उस फोल्डर को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आप न्यू सर्वर पे क्लिक करिए, और यहाँ से आपको सर्वर नेम टाइप करना है। जैसे हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, यहाँ पे W3, यहाँ पे W3 यहाँ पे सर्वर दे दिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्वर URL देना है। तो हम यहाँ पे https /ss दे देते हैं यहाँ से। यहाँ से उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है आपको देना होगा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं वेबसाइट नेम w3azm.in। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं .com, उसके बाद अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है दिस सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्ड, यानी ये हमारे पास सर्वर नहीं है। अगर हमारे पास सर्वर रहेगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें वर्क ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से सेव एज भी कर सकते हैं, यानी उसी फाइल को आप दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ सबको लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा काम होता है जब बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे, तब इसका यूज होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटोमेट।
ऑटोमेट से आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर आप बैच कोई बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजी तरीके से बैच बना सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन दिया है फाइल में, जो कि ऑटोमेट में यहाँ पे दिया है, और क्रिएट ड्रॉपलेट, ये भी बैच का ही काम होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चीज़ यहाँ पे दिया है कॉन्टेक्ट शीट। यहाँ पे कॉन्टेक्ट शीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं कि एक साथ कई शीट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर पे क्लिक करना है, आपकी जहाँ पे भी फाइल रखी है आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे हमारे पास फाइल में क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर आपको ओपन कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं, रेजुलेशन जितना देना चाहते हैं यहाँ से आप रेजुलेशन सेट कर सकते हैं, मोड दे सकते हैं यानी उसका मोड क्या होगा जो आपका इंसर्ट होगा। उसके बाद यहाँ से दिया है प्लेस, यहाँ से आप प्लेस भी दे सकते हैं, कॉलम्स दे सकते हैं, रो दे सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद अगर आप ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि जितने आपके पास इमेज रहेंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। एक बार और आपको कर दिखाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं कॉन्टेक्ट शीट पे, तो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जाना है फाइल में, और फाइल में जाने के बाद ऑटोमेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट शीट पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे हम ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं, और डेस्कटॉप पे हमने फाइल में एक IMG नाम से फोल्डर बनाया है। इसमें आप जैसे ओके क्लिक करेंगे तो इसमें जितने आपके मतलब इमेज हैं एक शीट पे आपको ओपन कर मिल जाएगा। अगर आपके पास 200-300 मतलब इस तरीके से फ़ोटो हैं तो आप एक ही शीट पे क्या कर सकते हैं, उसको ईजी तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने हमारे पास मतलब इमेजेस थे वो एक शीट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ही शीट पे हमारे पास जितने इमेजेस थे वो सारे देखिए यहाँ पे आ गए। तो एक काम होता है हमारे पास फाइल मेनू में ऑटोमेट में, जो कि कॉन्टेक्ट शीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिट इमेज। फिट इमेज किस तरीके से काम करता है इसको आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ओपन पे जाते हैं, और यहाँ से हम लोगो ले लेते हैं। इस टाइम देखिए यहाँ से आपको साइज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, इसकी साइज़ को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो फाइल मेनू में जाइए, ऑटोमेट में जाकर आप फिट साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से इसकी साइज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डुप्लीकेट कर लेंगे, जिससे हमारा ख़राब नहीं होगा जो आपका मेन मतलब कॉपी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फाइल में जाते हैं और ऑटोमेट पे जाकर फिट साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 799 साइज है। अगर आप इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 500 हम रखना चाहते हैं, तो अगर आप ओके करेंगे तो देखिए ये साइज आपको मिल गई। देखिए यहाँ पे साइज में डिफरेंट मिल गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ऑटोमेट में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मल्टी पेज PDF टू PSD। अगर आपके पास बहुत सारे मतलब PDF है और उसमें बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट इमेज है, अगर आप उन सभी को क्या करना चाहते हैं PSD में यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इजी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है सोर्स PDF, यानी जो आपकी PDF फाइल है आपको चॉइस करना है। तो यहाँ से हम चॉइस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक PDF फाइल है, इस पर आपको क्लिक करना है और ओपन कर देना है। ओपन जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है पेज रेंज, यानी आपका जो पेज है वो कितने रेंज में रहेगा। अगर आप यहाँ पे आल पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके मतलब PDF में है सारे यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप एक दो को करना चाहते हैं तो फॉर्म पे क्लिक करिए, यहाँ से आप दे सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 2 तक देना चाहते हैं तो 2 लिख दीजिए।
उसके बाद यहाँ से रेजुलेशन आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम रेजुलेशन भी सेट कर देते हैं। उसके बाद आप इसका जो पिक्सल इंचिस में यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मूड जो देना चाहते हैं यानी जिस मूड में आपका कन्वर्ट होकर आए यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, मतलब अगर आप ओके करेंगे तो ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा यानी सेव नहीं हो पाएगा। उसको फाइल को सेव करने के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, चॉइस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको सेव कहाँ पे करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और फाइल पे क्लिक कर आपको ओके कर देना है। अगर आप मतलब नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप नया फोल्डर भी इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फाइल में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम ओके कर देते हैं। ओके हमने कर दिया, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से भी ओके करते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो क्या होगा कि जितने हमारे पास फाइलें थी मतलब सीएमडी में, वो सारे हमारे पीएसडी फाइल में ओपन हो गई। आपको चलिए दिखाते हैं सबसे पहले कि हमारी फाइल पीएसडी में हुई कि नहीं पीडीएफ वाले। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल का फोल्डर है। अब इसमें देखिए न्यू फोल्डर है, तो यहाँ पे देखिए आपको हम थोड़ा से यहाँ से जूम कर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडोबी फोटोशॉप इमेज दोनों पीएचडी फाइल हमारे पास ओपन हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा फाइल मेनू में ऑटोमेट में यहाँ से मल्टीपल पेज पीडीएफ टू पीएचडी से आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें एक ऑप्शन और आता है पिक्चर पैकेज। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक साथ मतलब ग्रुप यहाँ से आपका जो इमेज रहेगा वो ग्रुप में आपको बनकर मिल जाएगा। देखिए जैसे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपका जो इमेज है देखिए ये ग्रुप में होकर मिल गया, यानी ये दोनों फोटो एक दूसरे में मिलजुल कर यहाँ पे एक और क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप पिक्चर पैकेज का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं क्लोज। उसके बाद फाइल में हमारे पास ऑटोमेट में एक और ऑप्शन दिया रहता है जो कि कुछ हमारे और इम्पोर्टेंट है, वेब फोटो गैलरी। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारे वेब पेज पे ओपन हो फोटो की तरह यानी जिस तरीके से गैलरी दिखती है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईजी तरीके से वेब फोटो गैलरी पे क्लिक कर आप ओपन कर सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है स्टाइल, यानी आप स्टाइल क्या रखना चाहते हैं। ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और यहाँ पे दिया एक्सटेंशन, आप यहाँ से एक्सटेंशन जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, चाहे आज आप HTM है, यानी HTM का मतलब ही होता है HTML, आप HTML भी ले सकते हैं, HTM भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है ब्राउजर, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर को आपको चॉइस करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फोल्डर को चॉइस कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास फोल्डर जो है इसको हम दिखा देते हैं, हमारे पास फाइल में IMG नाम से एक फोल्डर है, इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से दिया है डेस्टिनेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी ये हमारा जो फाइल कहाँ पे सेव होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऑप्शन में थंबनेल के लिए बनाना चाहते हैं, लेजर इमेज आप जो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे थंबनेल ले लेते हैं। यहाँ से आप साइज को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से साइज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ हमारे पास फॉर्मेट हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आपको वेब पेज पे दिखा देगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक वेब पेज पे गैलरी बनाकर ओपन कर दे दिया। तो ये हमारे पास काम होता है जो कि हमने बताया था कि वेब फोटो गैलरी का। तो इस तरीके से आप वेब पेज पे अपने फ़ोटो को गैलरी के द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है, चलिए देखते हैं। फाइल मेनू में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइल इन्फो। फाइल इन्फो से क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप अपने फाइल से रिलेटेड कुछ जानकारी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है सेशन में जनरल, यहाँ पे आप जैसे नॉर्मल तरीका है आप यहाँ से दे सकते हैं। कीवर्ड देना चाहते हैं आप कीवर्ड दे सकते हैं,
कैटेगरी देना चाहते हैं आप कैटेगरी दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल का। तो जनरल में यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे देते हैं लोगो। यहाँ पे देखिए हमने लोगो दे दिया। ऑथर में डाल देते हैं शिवम। यहाँ पे हमने ऑथर में शिवम दे दिया। ऑथर यहाँ पे दे देते हैं पोजीशन। ऑनर दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं ऑनर। यहाँ पे हम ऑनर दे देते हैं। कैप्शन में हम कुछ भी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्शन राइटर दिया हुआ है, जॉब नेम दिया है, आप जॉब नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कॉपीराइट स्टेटस। अगर आप यहाँ पे कॉपीराइट स्टेटस में अनमार्केड दिखे हैं तो इससे क्या होगा कि आप अगर इमेज मतलब कहीं पे रखे हैं तो आपका कोई भी इमेज यहाँ से यूज कर सकता है। अगर आपका पब्लिक डोमेन है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वेबसाइट से कोई कॉपी करना चाहता है तो कॉपी कर यूज कर सकता है। लेकिन अगर आप कॉपीराइट यहाँ पे वर्क पे क्लिक कर अगर आप यहाँ से क्या करते हैं कॉपीराइट कुछ दे देते हैं, जैसे यहाँ पे नोटिस दे देते हैं और यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं, तो अगर आप क्या करते हैं कि अगर अपने वेबसाइट को क्या करते हैं कि अगर आप ओपन करते हैं, अगर ये इमेज अपलोड किए हैं तो अगर आपका इमेज कोई चुराना चाहेगा तो चुरा नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं उसको कॉपीराइट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल के बाद हमारे पास कीवर्ड दिया रहता है, यहाँ से आप कीवर्ड दे सकते हैं। यानी यहाँ पे हम दे देते हैं कंप्यूटर, जैसे हमने कंप्यूटर हब लोगो यहाँ पे हमने दे दिया कंप्यूटर हब लोगो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और भी यहाँ से दे देते हैं शिवम, यहाँ पे हम दे देते हैं मौर्य यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या कर देना, ओके कर देना। आप यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट का सिंबल भी बनकर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शन मिल गए। अगर आप इसको वेबसाइट पे डाल देंगे तो यहाँ पे आपका कोई इमेज कॉपी नहीं कर पाएगा। यानी आप जितने इमेज कॉपी जो लोग अपना डाले रहते हैं वहीं से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यानी फाइल में जाकर आप फाइल इन्फो में यहीं से आप कॉपीराइट डाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज सेटअप, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप पेज प्रिंट करेंगे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको हम बताते हैं पेज सेटअप में। तो आपको क्या करना है, पेज सेटअप पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है साइज, आप जिस भी साइज में लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, और सोर्स में जो देना चाहते हैं सोर्स यहाँ से दे सकते हैं। डेस्टिनेशन में आप इसको लैंडस्केप में करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में, यहाँ से आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे साइज और भी बहुत सारे दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है यूजर डिफाइंडेड, और ये हमारे नॉर्मल तरीका है A4 रहता है पेज का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइल मेनू में नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट विथ प्रीव्यू। प्रिंट विथ प्रीव्यू करने से पहले आपको हम बता देते हैं प्रिंट। प्रिंट का जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं जो आप बनाए हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। यानी यहाँ पे नेम दिया है, आप जिस भी प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है और नंबर ऑफ कॉपी, यानी कितने आप पेज इसको कॉपी करना चाहते हैं। और यहाँ से आप अगर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, यानी जो आपका मतलब आप लगाएं जो प्रिंटर उसको क्वालिटी को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया रहता है, और इसमें देखिए लिखा है प्रिंट विथ प्रीव्यू। अगर आप प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट विथ प्रीव्यू पे क्लिक कर यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट करने से पहले कैसा आएगा। यहाँ से भी आप बहुत सारे मैनेज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आउटपुट दिया है, अगर आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ब्लैक हो गया। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसे हम 2 यहाँ से कर देते हैं, ओके करते हैं, यहाँ पे देखिए बॉर्डर भी आ गया।
उसके बाद यहाँ से आप स्केल दे सकते हैं, हाइट विड्थ भी दे सकते हैं इजी तरीके से। और उसके बाद अगर आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं इसको क्लोज। उसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट वन कॉपी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल पी। इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं कि इसका एक सिंगल कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी मतलब एक कॉपी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। देखिए हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, नहीं तो अभी यहाँ पे क्या होता कि एक कॉपी हो जाता। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद इसमें फाइल मेनू में हमारे पास और एक ऑप्शन आता है जंप टू। अगर आप चाहते हैं कि इस मतलब जो हमारा फ़ोटो है, अगर आप इसके बाद मतलब एडोबी इमेज रेडी में ओपन करना चाहते हैं, यानी दूसरे जो इसके मतलब फोटोशॉप इंस्टॉल के समय हमारे पास एक एडोबी इमेज आता है जो कि आपको दिखाते हैं। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी के बगल में देखिए एडोबी इमेज रीडर का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसी के साथ पैकेज आता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो फाइल पे जाकर जंप टू पे आप क्लिक कर एडोबी इमेज रेडी पे आप जा सकते हैं। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसी इमेज को आपको इस पे ओपन कर दिखा देगा। इस पे भी वही सारे काम कर सकते हैं जो कि आप फोटोशॉप पे करते हैं, सारे टूल्स सारे मेन्यू वही काम करते हैं, बस इसका जो नेम है वो बस चेंज है। देखिए उसी तरीके से हमारे फॉर्मेट ओपन हो गए हैं, जैसे इस तरीके से देखिए सारे वही चीज़ हमारे काम है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजी तरीके से जंप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फाइल पे जाकर और यहाँ से हम क्या करते हैं क्लोज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से भी हम क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास फाइल मेनू में और लास्ट ऑप्शन आता है एग्जिट का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। लेकिन एग्जिट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आपको और बता देते हैं, जो कि हम अब पिछले वीडियो में मतलब इस वीडियो में नहीं अच्छे तरीके से समझ पाए थे। इंपोर्ट में हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे WIA सपोर्ट दिया हुआ है, इसका क्या काम होता है, एनोटेशन का क्या काम होता है, ये सारे हम ये भी देखने वाले हैं। अगर आप एनोटेशन को देखना चाहते हैं तो इसको भी हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे WIA का मतलब होता है विंडो इमेज अरेंज, इसका मतलब होता है कि आप इजी तरीके से अगर आपके पास कोई स्कैनर लगा हुआ है तो आप उसको भी यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, या आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले से एप्सन एल 3110 का सीरीज इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो स्कैन कर लेगा। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे एनोटेशन ये क्या होता है, कि इस पर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर आप PDF में उसको भेज सकते हैं और उसी डॉक्यूमेंट को आप इजी तरीके से मैटर को देख सकते हैं। किस तरीके से यूज होता है सबसे पहले आपको बताते हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको हम न्यू फाइल लेते हैं। अब देखिए न्यू फाइल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यूज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हम न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर इस तरीके से कर देते हैं और ओके करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड। अब आपको अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट में जाना है, एनोटेशन में जाना है। आप यहां से जैसे एनोटेशन में क्लिक करेंगे, अगर पहले से आप बना रहेगा तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं बना है तो आपको बनाना होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको हम पहले जो टूल्स के वीडियो थे वो सारे में हम आपको यहाँ पे देखिए बताए थे कि एक नोट्स टूल्स दिया है, आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको लगाना है, अगर एनोटेशन बनाना है तो आपको नोट्स को रेडी करना होगा। जैसे हम नोट्स यहाँ पे बना लिए, इसमें हम कुछ लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए शिवम, यहाँ पे जैसे हमने कुछ भी लिख दिया उसी तरीके से यहाँ पे भी हम दो तीन बार यहाँ पे क्या करते हैं नोट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ नोट्स रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास नोट्स रेडी हो गए हैं, इसको हमें क्या कर देना है, यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। इन सबको यहाँ से राइट क्लिक कर आप इन सबको नोट्स को आपको क्लोज कर देना है। यहाँ से देखिए हमने क्लोज कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है ऑडियो ऑनिटेशन टूल्स, इसको भी हम क्या करते हैं एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, और इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे दिया ऑडियो एनोटेशन। इस पे क्या करना होगा कि अपने आवाज़ को यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम रिकॉर्ड कर आपको बता देते हैं। तो हम इस पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप एनोटेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से अब स्टॉप करते हैं, रिकॉर्डिंग हमारी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑडियो फाइल बन गई। अब इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए सबसे पहले फाइल पे जाइए, और यहाँ पे देखिए सेव दिया है, सेव पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ लेना है। इसका जो फॉर्मेट होगा आपको पीडीएफ लेना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए हम पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं एनोटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको नेम चेंज कर देते हैं एनोटेशन से, और यहाँ से हम क्या करते थे सेव पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए अब हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं सबसे पहले फाइल हमारी सेव हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एनोटेशन नाम से सेव हो गई है पीडीएफ में। अब आपको ओपन कर दिखाते हैं कैसे इसको यूज करना है। तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे इम्पोर्ट में। अभी देखिए यहाँ पे डिसेबल है, इसलिए डिसेबल है क्योंकि हमने अभी कोई फाइल नहीं लिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक न्यू फाइल लेते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। देखिए हमने ओके कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले फाइल में जाते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक कर एनोटेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हम एनोटेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमारी पीडीएफ वाली फाइल थी, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से लोड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी फाइल लोड वाली ओपन हो गई है, और अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करिए, तो जो भी आप देखे थे वो सारे इसमें आपको मिल गए। देखिए आप डबल क्लिक करेंगे, जो भी आप लिखे रहेंगे वो सारे यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इसको एक दूसरे जगह से ले जाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हटा सकते हैं। ऑडियो प्ले करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं ईजी तरीके से जो भी आप रिकॉर्ड किए हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल एनोटेशन डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे हमारे थे फाइल मेनू में ये सारे ऑप्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे इस वीडियो में तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और जाते वक्त हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है एग्जिट का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Q। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से यानी फोटोशॉप जो है बंद हो जाएगा। देखिए हमारा फोटोशॉप बंद हो गया। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे इस वीडियो में तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।